आइए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। बढ़ता प्रदूषण बेहद ज्यादा खतरनाक है, इससे ब्रेन स्ट्रोक, अल्जाइमर जैसी बीमारियों का खतरा भी हो सकता है। प्रदूषण को लेकर के स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2024 की रिपोर्ट जो आई है वो बेहद खतरनाक है। इस रिपोर्ट में 2021 का आंकड़ा जारी किया गया है। क्या कहती है ये रिपोर्ट, ये भी आपको समझाते हैं। दरअसल दुनिया में 80 लाख मौतें हुई हैं प्रदूषण की वजह से, भारत में 21 लाख मौत हुई है। COPD बीमारी से 50% मौत भारत में हुई है। साथ ही अगर हम बात करें 5 साल के नीचे वाले, तो 7 लाख बच्चों की मौत हुई है भारत में। हर दिन 464 बच्चों की मौत, दुनिया में हर दिन 2000 बच्चों की मौत हो रही है। तो ये आंकड़े 2021 के हैं। अब आप ये सोचेंगे कि 2022 के आंकड़े कहाँ हैं, 2023 के आंकड़े कहाँ हैं, 2021 के हम क्यों दिखा रहे हैं। दरअसल ये आंकड़ा ही 2021 का आया है। 2021 का आंकड़ा 2024 में जारी हुआ है। जो आंकड़ा जारी हुआ है हूबहू ये आंकड़ा हमने आपके सामने रख दिया है। देखिए ये बहुत सीरियस मसला हो गया, गंभीर मसला हो गया है और इस पर इंटरनेशनल डिबेट्स हो रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ टस से मस पोल्यूशन की बात जो है वो आगे नहीं बढ़ रही है। और हर साल हम इसकी बात करते हैं और फिर खो जाते हैं कहीं और फिर पोल्यूशन आ जाता है और हम बीमार हो जाते हैं। अभी दिवाली से पहले इसकी बहुत बात होगी और दिवाली पर पोल्यूशन भी बढ़ेगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पटाखों का पॉल्यूशन होगा, ये हवा की गति पर निर्भर करता है और कार्बन पार्टिकल्स पर, गाड़ियों के मूवमेंट पर, इन सब पर निर्भर करता है और हमारी आदतों पर भी निर्भर करता है, जिसमें पराली जलाना भी आता है। आइए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। बढ़ता प्रदूषण बेहद ज़्यादा खतरनाक है, इससे ब्रेन स्ट्रोक, अल्जाइमर जैसी बीमारियों का खतरा भी हो सकता है। प्रदूषण को लेकर के स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2024 की रिपोर्ट जो आई है वो बेहद खतरनाक है। इस रिपोर्ट में 2021 का आंकड़ा जारी किया गया है। क्या कहती है ये रिपोर्ट, ये भी आपको समझाते हैं। दरअसल दुनिया में 80 लाख मौतें हुई हैं प्रदूषण की वजह से, भारत में 21 लाख मौत हुई है। COPD बीमारी से 50% मौत भारत में हुई है। साथ ही अगर हम बात करें 5 साल के नीचे वाले, तो 7 लाख बच्चों की मौत हुई है भारत में। हर दिन 464 बच्चों की मौत, दुनिया में हर दिन 2000 बच्चों की मौत हो रही है। तो ये आंकड़े 2021 के हैं। अब आप ये सोचेंगे कि 2022 के आंकड़े कहाँ हैं, 2023 के आंकड़े कहाँ हैं, 2021 के हम क्यों दिखा रहे हैं। दरअसल ये आंकड़ा ही 2021 का आया है। 2021 का आंकड़ा 2024 में जारी हुआ है। जो आंकड़ा जारी हुआ है हूबहू ये आंकड़ा हमने आपके सामने रख दिया है। देखिए ये बहुत सीरियस मसला हो गया, गंभीर मसला हो गया है और इस पर इंटरनेशनल डिबेट्स हो रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ टस से मस पोल्यूशन की बात जो है वो आगे नहीं बढ़ रही है। और हर साल हम इसकी बात करते हैं और फिर खो जाते हैं कहीं और फिर पोल्यूशन आ जाता है और हम बीमार हो जाते हैं। अभी दिवाली से पहले इसकी बहुत बात होगी और दिवाली पर पोल्यूशन भी बढ़ेगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पटाखों का पॉल्यूशन होगा, ये हवा की गति पर निर्भर करता है और कार्बन पार्टिकल्स पर, गाड़ियों के मूवमेंट पर, इन सब पर निर्भर करता है और हमारी आदतों पर भी निर्भर करता है, जिसमें पराली जलाना भी आता है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।